अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बात है क्या, हंसते रहे मुस्कुराते रहे इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं रेसिपी का आगाज। हाँ जी, तो देखने से मुंह में पानी आ रहा होगा, दिल कर रहा होगा जल्दी से अपने किचन में बना के जाके इस रेसिपी को एंजॉय करें। आज मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है बहुत धमाकेदार मजेदार सी होने वाली, चिकन चीज सीजनिंग कबाब, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। थोड़े से इंग्रेडिएंट आपको बाजार से बाय करने पड़ेंगे, बाकी सारी चीजें मौजूद है। चलते हैं किचन क्लोजर में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी मजेदार सी हो जाने वाली आज की रेसिपी, जिसका नाम है चिकन चीज सीजनिंग कबाब। हाँ जी, तो चिकन चीज सीजनिंग कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं, घर में आसानी सी रेसिपी है, सब चीजें घर में मौजूद है। सबसे पहले तो हमने चिकन का कीमा ले लिया, उसको ग्राइंडर, पहले तो हमने उसको वॉश कर लिया था, फिर ग्राइंडर में डाल के उसको बिल्कुल पीस लिया। ये देखें, ये कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब जो इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, चीजें डालेंगे, बड़ी सिंपल और आसान सी है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। इसके साथ साथ चॉप की हुई प्याज, जिसका पानी बिल्कुल निकाल लेना है। 1 अदद लार्ज साइज की प्याज ली थी वो चली जाएगी। गाजर 1 लिए, उसको भी ऐसे ही चॉप कर लिया था, ग्राइंडर में डाल के पानी निकाल देना है। शिमला मिर्च भी 1 स्मॉल साइज की लिए, छोटे साइज की, उसको भी ऐसे ही चॉप कर लिए। ये सब इसके अंदर हम डाल देंगे। मसाले बहुत आसान से घर में मौजूद है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और बेसन जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो रेगुलर कुकिंग ऑयल आपके पास मौजूद होगा, वो आप डाल दें। अब इन सब चीजों को हमने अच्छे से आपस में मिक्सअप कर लेना है। चूल्हे पे मैंने स्टेक पैन रख लिया है, ग्रिल पैन, इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून के लगभग कुकिंग ऑयल। अब कबाब बना लेते हैं। ये कबाब का जो बैटर हमने लिया था, पहले तो हमने हाथों को ये देखे हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब ताकि इस ग्रीस इसलिए करेंगे कि कबाब हमारे हाथों पे स्टिक ना हो। ये देखिए, इस तरह करके हमने कोई 2 टेबल स्पून के लगभग ये बैटर उठाया और इस तरह करके इसकी शेप बना लेंगी। ये चलिए कबाब बना के मैं इस तरह करके देखिए गर्मा गर्म स्टेक पैन में रखती जाऊंगी। इसकी साइड को हम टर्न कर लेंगे, एक साइड इसकी जब कुक हो जाएगी, देखिए क्या माशाल्लाह से जबरदस्त से कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। सीजनिंग कबाब हमारे हाफ डन हो गए, यानी कि फ्राई का काम हमारा खत्म हो गया। कितने कम ऑयल में हमने इसको फ्राई किया। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कैसे करनी है, चीज कहाँ डालनी है, ये आपको भी आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। देखिए गर्मा गर्म हॉट प्लेट ले लिया मैंने, इसके ऊपर हम आइस बर्ग डाल देंगे। अगर आपके पास सलाद पत्ता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है। ये देखिए, और इसके साथ साथ जो हमने कबाब बनाए हुए थे, ये देखिए, ये इसके ऊपर इस तरह करके रख दें। देखिए चीज के स्लाइसेस लिए थे, क्योंकि ये प्लेट हमारी गर्म है, चीज के स्लाइसेस के ऊपर इस तरह करके हम रख देंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखा आपने क्या जबरदस्त और झटपट से मजेदार गर्मा गर्म हमारे चिकन चीज सीजनिंग कबाब खाने के लिए तैयार हैं। इंतजार किस बात के, जल्दी से अपने प्यारों को बुलाइए और इनके साथ इसको एंजॉय करिए। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी। प्यार रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।